वासुकी इजाजत चाहते हैं। अभी हमको इन लोगों के साथ जाना होगा, हम दोबारा आपसे मिलने आएंगे बाद में। नहीं, माँ जी ये तो लाली भाप जाना था, एक जैसा शकल है ना दोनों का, हमें भी ऐसा लग रहा है कि हमारी लालिया ही है। ये बात साबित कैसे करूं? पर मामा जी आप एक बार सवाल तो कर ले। ऐसा सवाल करने कोनो फायदा नहीं है। हमरे भोले ने अगर ये खेला रचाया है तो एकरे पीछे कोनो लीला होगी। तो आज तुम्हारा ये मामा ठाकुर लोहा सिंह एक बात कहता है, कल सवेरे तक इस शिखरवा की ललिया हमरी हवेली के अंदर हो। लाली आई आएगी। नहीं, हम नहीं जाने देंगे। अभी जाएंगे फिर दोबारा आपके पास लौट कर आएंगे, वचन देते हैं हम। श्यामली कावा कावा था, पता नहीं कैसे हमको उनका नाम पता था, शेखर। बिना उनके बताए हमको उनका नाम कैसे पता था डॉक्टर साहब? अब भूल गई, शेखर बाबू हमारे पेशेंट थे, कई बार हम उनकी फाइल घर पे लाके पढ़ते थे, तभी आपने नाम सुना होगा, वो जिनको आपने शॉक ट्रीटमेंट से बचाया था। इन लोगों ने शेखर भैया को बिजली के झटके दिए, कह रहा आप प्लीज जल्दी आइए। लाली 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 ऐसा क्यों कर रही हमारे साथ लाली? श्यामली जो हुआ उसे भूल जाइए। हमको हमारी लाली लाली मिल गई। जंगल में हम दोनों बहुत साथ में घूमे, बहुत बहुत बतियाए, कुछ पर वो चली गई, वो वादा की है हमसे आएगी आएगी। बहुत बहुत ही अच्छी बात है। सुनो अभी कुछ हो खा लो, हाँ हम लिट्टी चोखा बनाए तुम्हारे लिए। हाँ पर आगे से वो लिट्टी चोखा मत बनाना, वो लाली नहीं खाती है।
पर हमें पसंद है। माधव को भी दे दो, भूख लगी होगी। लाली आ रही है, हम ओकर साथ खेलेंगे। तू जा यहाँ से। कोई लाली वाली नहीं आएगी तुम जैसे पागल के साथ खेलने। ये माधव तो? वाह, क्या बोल रहा? ललिया आएगी, बड़ों का आदर करते हैं, बड़ों का सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं। और जिससे बात कर रहा था ना माधव, ये हमारा शेर, ये तुम्हारा बापू है बापू। ये पगला हमारा बाबूजी नहीं है, हमारे बाबूजी को तो पुलिस पकड़ के ले गए। पागल के साथ हम नहीं खेलेंगे। माधव, हमको भी नहीं खेलना तेरे साथ। भाग जा यहाँ से। बट बट रिकवा ले जा। बाकी वो असल में लाली थी का? तो अपना नाम भूल गई, पर हमको सब पता है। तुम्हारा नाम लाली है। लाली, लाली, हे लाली, लाली, हे लाली, 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 लाली है, हे लाली, 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 तो अपना नाम भूल गई। लाली, हे लाली, माफी मांगना भी भूल गए। हम सोच रहे थे कि हमारी इस गलती की वजह से अगर आपको कुछ हो जाता तो। सुमन चुप, एकदम एकदम चुप। पागल है का तू? देख, अब खुद भी रोएगी और हमको भी रुलाएगी। पता है ना तुम्हारी आंख में आंसू नहीं पसंद हमको, फिर भी रो जा रही। हाँ, जो हो गया ना उसको भूल जा। देख, अब तो हम वापस आ गए हैं ना, अब हम लोग फिर से पहले जैसा हंसी खुशी साथ में रहेंगे। चल अब अपना आंसू पोछ, और खबरदार जो दोबारा ये सब बात याद करके ऐसे अपना आंसू बहाए। अच्छा सुमन, एक बात बता, वो जो लड़का तुम्हारे साथ था वही मधुर था का? हम सच में हमसे बहुत प्यार करते हैं। ये हमारा बचपना नहीं है,
हम दिल से चाहने लग गए मधुर जी को। माँ, आप पापा से बात करोगी ना? उन्हें मनाओगे ना? बोलिए ना। मना लेंगे, बाकी एक शर्त है। ये जो मोटा मोटा आंसू है ना, उसको पोंछ के मुस्कुरा के दिखाएगी। शामली, आप सोई नहीं अब तक? मैं लगा आप सो गई होंगी, थकी है। ये दूध इमली ले आती। आपका ख्याल रखना भी तो हमारा फर्ज है ना। इधर आइए, आइए बैठिए। एक दिन हम दूध नहीं पिएंगे तो कमजोर नहीं हो जाएंगे, और इस वक्त कमजोर आप लग रही हैं, तो दूध की हमें नहीं आपको जरूरत है। ये लीजिए, दूध पीजिए। ये सब बहाना नहीं चलेगा, पूरा का पूरा गिलास आप खत्म करेंगे। अच्छा, पीते हैं। सच कहे शामली, कभी कभी सोचते हैं कि अगर आप हमारी जिंदगी में नहीं आती तो हमारा कोई वजूद ही नहीं बचता, बिल्कुल अकेले पड़ जाते हैं। जिम्मेदारियां छोड़िए, खुद को भी नहीं संभाल पाते हम। लेकिन शायद भगवान को हमारे पिछले जन्म के कुछ कर्म पसंद आए होंगे, जो उन्होंने आपको हमारे पास भेज दिया। आप हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत है, और हमारी कमजोरी भी। कमजोरी से याद आया, आप कमजोर लग रही है, जाके आराम कीजिए। चलिए, हम भी यही सोच रहे थे। वैसे एक बात करनी थी आपसे। जी कहिए। हम सोच रहे थे कि सुमन जिस लड़का को पसंद किए है, कहे नहीं उसके घर वाले से मिलकर रिश्ता का बात कर लें। नहीं शामली, हमारी सुमन की जिंदगी का सवाल है। और सुमन नादान है, शादी ब्याह कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं होता। ऐसा नहीं है डॉक्टर साहब, हम बात की सुमन से, सुमन दिल से चाहती है उसको, और उसकी खुशी इसी में है। और लड़का भी अच्छा है, परिवार अच्छा है, कमाता बढ़िया है, फिर दिक्कत कहाँ है? सुमन बता रही थी बड़ा प्यार से रखा था उसको अपने घर में। डॉक्टर साहब, हम यहाँ अपना जिद मनवाने नहीं आए थे। सुमन पर पहला हक आप ही का है, आप जो फैसला लेंगे वो हमको मंजूर है। बस हम चाहते हैं कि आप हमारी दो बात का ख्याल रखें। पहले ये कि सुमन जिस लड़के के प्यार में घर छोड़कर भाग सकती है, वो कल को कुछ भी कर सकती है। और दूसरी बात एक है, अगर आपको अपनी बेटी की खुशी मंजूर है तो ये जान लीजिए कि सुमन की खुशी इसी रिश्ते में है।
बबुआ मैया, बीत गई परले की बेला, अब ना उड़ेगा पंछी अकेला। अच्छा अच्छा, ए वचनवा, हुक्का ले करा, गर्मा गर्म जलीला। काहे पहलिया बुझा रहे, जो पूछ रहे वो साफ साफ बताते काहे नहीं। महादेव की अजब माया, भूला लौट के घर आया। हे बबक मैया, का सवाल जवाब में लगी हो, थोड़ी है किंतु परंतु जाल में काहे फंस रहे। का साड़ी पहन बैठी है, जाइए रंग बिरंगी साड़ी पहनिए, नथनी बाली ओढ़िए, हाथों में चूड़ा कंगन और पैरों में बिछुआ पहन लीजिए ठकुरान। अरे कल सुबह रांची जाना है, रांची। उस हम कहाँ पहनेंगे अभी? तो पूछे जा रहे हो, उकरा जवाब तो नहीं दे रहे आप। हम कहाँ करेंगे रांची जाकर? अरे डॉक्टर बस वादा नहीं किया, अपनी सुमनिया का रिश्ता पक्का नहीं किया मधुर वक्त साथ। दुनिया में रीति रिवाज नाम की चीज होता है कि नहीं? होता है ना ठाकुरायन, तो बस यह समझ लीजिए। हम पूछ रहे वो लाली थी कि नहीं, और आप अभी वक्त मधुर और सोने की रिश्ते के बारे में, दिखवा के बारे में नहीं सोचेंगे का? धीरज धरो ठाकुरायन, सबर फल मीठा होता है। अरे बात ही तो किया हूँ, बात और बारात बीच में बहुत अंतर होता है, बीच में आप कुछ कर दूंगा। आपके सोचने से और हमारे सोचने से कुछ नहीं होने वाला। हम तब से पूछे जा रहे हैं कि वो डॉक्टर की ठकुराइन हमने ललिया है कि नहीं, आप तो बताते नहीं रहे। अरे भाई लाली बब्बा को उसी घर लाने का इंतजाम कर रहा हूं। भोले बाबा ने चाहा तो हमारे साथ ही घर आएगी। कल का सूरज उगने से पहले ललिया हमारी हवेली दहलीज में होगी। लाली आ रही है बबुआ की मैया, लाली आ रही है। लाली आ रही है। ली आ रही है। देखा देखा भाई देखा। लाली आ रही है, लाली आ रही है। क्या कुछ नहीं खोया इस हवेली ने ललिया जाने के बाद। हमने अपनी आंखें खोई, हमारे बिटुआ ने अपनी खुशियां खोई, हमारे पुतवा ने अपनी मां खोई, और हवेलियन रौनक खोई। लेकिन कल जब सूरज उगेगा तो ओकरी रोशनी के साथ साथ ललिया की आने की खुशी मां हवेली की रौनक वापस आ जाएगी। महादेव बाबा तेरी जय हो।